आइए हम ध्यान के लिए आराम से बैठ जाएं, अपने भीतर अपने आप में हम मस्त हो जाएं। आलथी पालथी या जिस तरह से मैं बैठा हूं, आरामदायक कुर्सी पर हम बैठ जाएं, दोनों हाथों को आपस में मिला लें और अपनी आंखों को धीरे से बंद हो जाने दें। आंखों को बंद करने के बाद हम अपने शरीर को शिथिल छोड़ें, रिलैक्स करें एक मिनट के लिए, खासकर कंधे, गर्दन, दोनों बाजू और अपनी काफ मसल्स को हम ढीला छोड़ दें। ध्यान में हम अपने मन को शून्य बनाते हैं और उसके लिए हम अपनी प्राकृतिक सांसों पर, अंदर आती बाहर जाती प्राकृतिक सांसों पर ध्यान लगाते हैं। आंखें बंद और अंदर आती बाहर जाती सांसों से जुड़ जाएं। सांसें अंदर आती हैं, उसे महसूस करें। श्वास बाहर जाती है, उसे फील करें। अपनी तरफ से सांसों में कोई बदलाव नहीं करना है, जो सांसें खुद ब खुद चल रही हैं उन्हें फील करना है। सांसों के अंदर आने पर जो पेट में मूवमेंट होता है, हलचल होती है, उसे महसूस करें। अपने पूरे शरीर को ढीला रखें। आज पूर्णिमा की दिव्य रात है, पृथ्वी पर ढेर सारी कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है। हम अपने आप को शून्य बनाकर अपनी सुषुम्ना नाड़ी में इस कॉस्मिक एनर्जी को लेने के लिए तैयार बने। पूरा शरीर शांत, शिथिल और सांसों पर ध्यान। अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान। देते जाए जैसे जैसे सांसों पर ध्यान आगे बढ़ रहा है, आपका मन शांत होता जा रहा है, शून्य होता जा रहा है। सांसों पर ध्यान देते जाए। हरेक श्वास पर ध्यान, एक एक श्वास को महसूस करें, फील करें। सांसों के साथ एक हो जाएं। सांसों का
सांसों के मूवमेंट को फील करते हुए सांसों के अंतराल को भी महसूस करें। दो सांसों के बीच का अंतराल, जब श्वास बाहर जाती है और उसके कुछ पलों के बाद अगली श्वास अंदर आती है, इस गैप को भी फील करें। ध्यानम शरणम गच्छामि। ध्यान की शरण में मैं जा रहा हूं। सांसों पर ध्यान, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान। सजग, अलर्ट, सांसों के प्रति आपकी सुषुम्ना नाड़ी में डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है। ऊर्जा की संवेदनाओं को अपने स्पाइन में फील करें। सांसों के अंतराल पर ध्यान। अगर आपको ऊर्जा की अनुभूति हो रही हो तो उतरती हुई ऊर्जा, बहती हुई ऊर्जा पर ध्यान। आनापान शति कायानुपश्यना, आनापान शति सांसों पर ध्यान, कायानुपश्यना ऊर्जा शरीर पर ध्यान। जीरो हो जाए।
कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई याद नहीं। अगर मन भटके तो अपने मन से कहें, मैं अभी ध्यान में हूं, और पुनः सांसों पर आ जाए। फिर से सांसों के आने और जाने को फील करने लग जाए। सांसों को महसूस करते हुए, सांसों के अंतराल को महसूस करते हुए हम ये जानेंगे कि हम शरीर नहीं है। हमें अपने हाथों और पैरों का आभास नहीं होता। जब हम शून्यता में उतर जाते हैं, अपने नॉन फिजिकलनेस में जागने लगते हैं, हमें ये अनुभव करना है हम शरीर नहीं है। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस, अशरीरी चेतना आत्मा। सांसों पर ध्यान, अपने आत्म स्वरूप में जागने के लिए, अपने सोल नेचर को रियलाइज करने के लिए। I am all pervading divine consciousness। ध्यान की शून्यता में यह अनुभव हो सकता है। हमारा शाश्वत रूप ब्रह्म नेचर। अपने ब्रह्म स्वभाव में, भगवत सत्ता में डूब जाए। जी कहते हैं, हम सब भगवान हैं। भगवत्ता का अनुभव गहरे ध्यान में होता है। सांसों पर ध्यान, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान।
साक्षी बने सांसों के। उतरती हुई कॉस्मिक एनर्जी के साक्षी बने स्वयं के ऑब्जर्वर, पैसिव ऑब्जर्वर। कुछ करना नहीं है, बस देखना है। भीतर की आंखों से आखिरी 10 मिनट। हर एक श्वास के साथ एक हो जाए। फील योर ईच एंड एवरी ब्रेथ। विश्राम, सांसों के साथ दिव्यता में विश्राम। महसूस करें अपनी दिव्यता को। यू आर ए डिवाइन सोल, फील इट एंड लिव इट। ध्यान के प्रभाव से हमारा पूरा 24 घंटे का जीवन दिव्य हो जाए। अपनी दिव्यता को 24/7 हम फील करें।
सांसों को महसूस करते हुए, जब हम अपने नॉन फिजिकलनेस को, अपनी दिव्यता को फील करते हैं, तो हमें पूरे ब्रह्मांड के साथ एकत्व का भी बोध होता है। हर एक जीव के साथ, हर एक पौधे के साथ, हर एक मनुष्य के साथ हम चेतना के तल पर एक ही है। There is one consciousness, there is one life, अद्वैत, एकत्व। ध्यान किस गहराई में, इस शून्यता में अपनी दिव्यत्व को, सर्वव्यापी ब्रह्म को, अद्वैत को भी फील करें। बाद में जब हम ध्यान से बाहर भी आ जाएंगे, आप इस अवस्था को सतत याद रखेंगे। हमारा पूरा 24 घंटे का जीवन दिव्य हो रहा है। ध्यान के दौरान जिस शांति को आप अनुभव कर रहे हैं, आप इसे बाद में भी याद रखने वाले हैं। दोनों आंखों के बीच में और पीछे थर्ड आई स्पेस में फोकस रखते हुए अपने आप से यह बोल दें, ध्यान की इस शून्यता, इस दिव्यता का बोध मुझे 24/7 रहने वाला है। मैं अपना पूरा जीवन, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, इस बोध से जीने वाला हूं। आई एम ए सोल हु इज इन बॉडी फॉर सम एक्सपीरियंस, कुछ सीखने के लिए, कुछ अनुभव के लिए, कुछ कर्म के लिए, कुछ सेवा के लिए हमने यह मानव शरीर धारण किया है। इस जागृति के साथ हम अपना जीवन जिए। सांसों पर ध्यान का आखिरी 5 मिनट। सांसों को फील करते रहें और अपने आप को देखते रहें। आत्मदर्शन खुद को ही देखना है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति आत्मानम आत्मना, भगवत गीता। खुद से खुद को देखना ध्यान है।
सांसों के साथ ध्यान का आखिरी 3 मिनट। सांसों को महसूस करें और अपनी सुषुम्ना नाड़ी को, जिसमें 7 ऊर्जा केंद्र है, फील करें। टेल बोन के पास स्वाधिष्ठान, मणिपुर नाभि के पीछे अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र गले में, आज्ञा चक्र थर्ड आई, सहस्त्रार क्राउन, मेरे सभी चक्र ध्यान से संतुलित हो रहे हैं। अपने हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, अपनी कलाइयों को, अपने एंकल्स को, टखने को हिलाएं, दोनों हाथों को धीरे धीरे प्रणाम की मुद्रा में जोड़ लें। ध्यान में जो शांति मिली उसके लिए अस्तित्व को धन्यवाद दे, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आंखों को सहलाते हुए और एक मास्टर की तरह मुस्कुराते हुए, एक शाश्वत चेतना की तरह मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। ध्यान में जो आपने शांति महसूस करी है उसे 24/7 आप फील कर सकते हैं। अहम ब्रह्माष्मि सर्वम खलविदम ब्रह्मा के भाव में अपना जीवन जी सकते हैं।